दोस्तों, मेरे चैनल पर स्वागत है आप सभी का। मैं नर्मदा हूँ। जब गंगा नहीं थी तब भी मैं थी, जब हिमालय नहीं था तब भी मैं थी। मेरे किनारों पर नागर सभ्यता का विकास नहीं हुआ। मेरे दोनों किनारों पर तो दंडकारण्य के घने जंगलों की भरमार थी। इसी के कारण आर्य मुझ तक नहीं पहुंच सके। मैं अनेक वर्षों तक आर्यावर्त की सीमा रेखा बनी रही। उन दिनों मेरे तट पर उत्तरापथ समाप्त होता था और दक्षिणापथ शुरू होता था। मेरे तट पर मोहनजोदड़ो जैसी नागर संस्कृति नहीं रही, लेकिन एक आरण्यक संस्कृति अवश्य रही। मेरे तटवर्ती वनों में मार्कंडे, कपिल, भृगु, जमदग्नि आदि अनेक ऋषियों के आश्रम रहे। यहाँ के यज्ञ वेदियों का धुआं आकाश में मंडराता था। ऋषियों का कहना था कि तपस्या तो बस नर्मदा तट पर ही करनी चाहिए। इन्हीं ऋषियों में से एक ने मेरा नाम रखा रेवा। रेव यानी कूदना। उन्होंने मुझे चट्टानों में कूदते फांदते देखा तो मेरा नाम रेवा रखा। एक अन्य ऋषि ने मेरा नाम नर्मदा रखा। नर्म यानी आनंद, आनंद देने वाली नदी। मैं भारत की 7 प्रमुख नदियों में से हूँ। गंगा के बाद मेरा ही महत्व है। पुराणों में जितना मुझ पर लिखा गया है उतना और किसी नदी पर नहीं। स्कंद पुराण का रेवा खंड तो पूरा का पूरा मुझको ही अर्पित है। पुराण कहते हैं कि जो पुण्य गंगा में स्नान करने से मिलता है वह मेरे दर्शन मात्र से ही मिल जाता है। मेरा जन्म अमरकंटक में हुआ। मैं पश्चिम की ओर बहती हूँ। मेरा प्रवाह आधार चट्टानी भूमि है। मेरे तट पर आदिम जातियाँ निवास करती हैं। जीवन में मैंने सदा कड़ा संघर्ष किया। मैं एक हूँ पर मेरे रूप अनेक हैं। मूसलाधार वृष्टि पर उफन पड़ती हूँ तो गर्मियों में बस मेरी सांस भर चलती रहती है। मैं प्रपात बाहुल्य नदी हूँ। कपिलधारा, दूधधारा, धावड़ी कुंड, सहस्त्रधारा मेरे मुख्य प्रपात हैं। ओमकारेश्वर मेरे तट का प्रमुख तीर्थ है। महेश्वर ही प्राचीन माहिष्मती है। वहाँ के घाट देश के सर्वोत्तम घाटों में से है। मैं स्वयं को भरूच में अरब सागर को समर्पित करती हूँ। मुझे याद आया अमरकंटक में मैंने कैसी मामूली सी शुरुआत की थी। वहाँ तो एक बच्चा भी मुझे लांग जाया करता था, पर यहाँ मेरा पाठ 20 किलोमीटर चौड़ा है। यह तय करना कठिन है कि कहाँ मेरा अंत है और कहाँ समुद्र का आरंभ, पर आज मेरा स्वरूप बदल रहा है। मेरे तटवर्ती प्रदेश बदल गए हैं। मुझ पर कई बांध बांधे जा रहे हैं। मेरे लिए यह कष्टप्रद तो है, पर जब अकालग्रस्त भूखे प्यासे लोगों को पानी, चारे के लिए तड़पते पशुओं को, बंजर पड़े खेतों को देखती हूँ तो मन रो पड़ता है। आखिर मैं माँ हूँ। मुझ पर बने बांध इनकी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। अब धरती की प्यास बुझेगी। मैं धरती को सुजला सुफला बनाऊंगी। यह कार्य मुझे एक आंतरिक संतोष देता है। नर्मदे सर्वदे, नमामि देवी नर्मदे।